तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे अपने बिल को कैसे चेक करें कि हमारा कितने का बिल आया है और किस नंबर से चेक करना है। दोस्तों, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है, ये मेरे उंगली के पास लिखा हुआ है, जैसे कि इसमें ये लिखा हुआ है EDSD और AC नंबर, यानी कि अकाउंट नंबर। ये जो अकाउंट नंबर है, यही हमारा बिजली के बिल का सीरियल नंबर है। और ये नीचे जो है, इसका ये कोड दे रखा है, जहाँ पर बिजली घर होता है, यानी कि जहाँ से सप्लाई होती है, ये वहाँ का कोड दे रखा है। और किस नाम से है, ये इधर नाम दे रखा है। और दोस्तों, देख सकते हो आपका मीटर कितने लोड का है, यानी कितने किलोवाट का है। ये देख सकते हो, लोड आपका मीटर 1 किलोवाट का है, और मीटर का नंबर, ये मीटर का नंबर दे रखा है। तो दोस्तों, आई होप आज की वीडियो में हम करते हैं शुरू के अपना बिजली का बिल हम कैसे चेक करें इस नंबर से। ये जो हमारा नंबर है, इससे हम बिजली का बिल चेक करेंगे कितना हमारा बिजली का बिल आया। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपने मोबाइल से कैसे करेंगे। सबसे पहले हम अपने मोबाइल के फ़ोन उसमें जाएंगे गूगल में। ये हम अपने मोबाइल के गूगल में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हमको सर्च करना है UPPCL, यानी कि मैं डालता हूँ इसमें कौन सी वेबसाइट है। आपको जो है ये वाली वेबसाइट UPCL बिल से पे बिल, यानी वाली वेबसाइट आपको सर्च करनी है। यूपी से UPPCL और बिल से पे बिल वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हो आप, ये वेबसाइट खुल गई है, और इसको जो है आपको देख सकते हो, ये आपको ऊपर में जो है अकाउंट नंबर, यानी कि इसका जो है अकाउंट नंबर फिल करना है। अकाउंट नंबर फिल करने के लिए मेरी जो ये रसीद है, इस पर अकाउंट नंबर है, ये मेरा अकाउंट नंबर है, इसको मैं जो है फिल करूँगा। ये मैंने इस पर टच किया, अब मैं इसको इस पर जो है फिल करता हूँ। ये हमारा नंबर है 7100042134040। तो दोस्तों, ये मैंने जो है एंटर कर दिया है। इसे एक बार और कंफर्म करेंगे अच्छी तरीके से। ये मैंने जो है पूरा कंफर्म कर लिया है, ये मेरा सही है अकाउंट नंबर। अब क्या करना है हमको, ये जो कैप्चर कोड है, ये वाला, ये कैप्चर कोड हमने जो है इसमें डालना है, यानी कि देख सकते हो इस वाले कॉलम में हमें कैप्चर बनना है। जैसे ये दे रखा है कैपिटल, कैपिटल में जिस तरीके से दे रखा है, उसी तरीके से हमें भरना है। अब ये देखो, हमें इंग्लिश में भरना है। ये हो गया जी डी, और ये बी, और फिर 4, फिर है ए। तो दोस्तों, ये हमने जो है अपना कैप्चर भर दिया है। अब हमको करना है इसको सबमिट। सबमिट पर हम क्लिक करेंगे जैसे ही, तो हमारा पूरा प्रोसेस ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये देखो हो चुका है। अब हम इसमें जूम करके देखते हैं कितना है, कितना हमारा बिल आया है। तो दोस्तों, ये जो है ऑरेंज कलर का, ये देख सकते हो 5246 रुपये हमारा जो है इसमें बिल आया है। ये हमारा आईडी है, और ये कब तक का है, सन 2021 आठवें महीने तक का है। और ये नाम दे रखा है। अगर आपको इसे प्रिंट निकालना है, तो यहीं से आप प्रिंट निकाल सकते हैं, व्यू प्रिंट बिल, यानी कि बिल। और अगर आपको यहीं से पे करना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। पेटीएम से करना है, पेटीएम नेट बैंकिंग से करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे, और पे नाउ पर क्लिक करेंगे, तो आपका बिल जो है पे हो जाएगा। तो दोस्तों, आई होप आज की इस वीडियो को आप समझ ही गए होंगे कैसे और कौन सी वेबसाइट से आपको बिल निकालना है या चेक करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।